नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जून दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। डीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकाली भर्ती। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना का ये छात्र उठाए लाभ। पटना में आज से 5 दिवसीय सीने फेस्टा फिल्म महोत्सव की हो रही शुरुआत। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने बिहार आए पीएम मोदी। इस दिन बिहार में पूर्णिया के रास्ते मॉनसून का होगा प्रवेश। सूर्य कुमार यादव अफगानिस्तान के साथ मैच से पहले हुए चोटिल। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर निकाली भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 118 पदों पर आई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आपसे ₹750 आवेदन शुल्क के रूप में लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम के बेसिस पर किया जाएगा और सैलरी ग्रेड पे लेवल 9 के मुताबिक मिलेगी। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार से मोदी कैबिनेट में शामिल हुए इन मंत्रियों के विभाग का जाने बजट। बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में चुने गए सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जा चुका है। मोदी मंत्री परिषद में बिहार के 4 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार के 1 साथ 8 सांसदों के मंत्री बनने से बिहार की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। बिहार से बनाए गए किन कैबिनेट मंत्री को कितना बजट मिला है आज हम आपको बताएंगे। बिहार NDA से हम नेता जीतन राम मांझी का लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्रालय है। इनके मंत्रालय का बजट 22,137.95 करोड़ रुपए है। जदयू नेता ललन सिंह को 2 मंत्रालय के तहत 3 विभाग सौंपे गए हैं, जिसमें पंचायती राज मंत्रालय का बजट 1,183.64 करोड़ रुपए का है। वहीं मत्स्य पालन विभाग का बजट 2,584.50 करोड़ का है। इसके अलावा पशुपालन और डेयरी विभाग का बजट 4,521.24 करोड़ का है। वहीं गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय मिला है, जिसका बजट 4,392.85 करोड़ का है। इसके अलावा चिराग पासवान के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का बजट 3,290 करोड़ रुपए का है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे पटन देवी मंदिर के बारे में। पटन देवी मंदिर, जिसे मां पटनेश्वरी भी कहा जाता है, पटना बिहार के सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इसे भारत के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती के शव की दाहिनी जांघ यहां गिरी थी। प्राचीन मंदिर, जिसे मूल रूप से मां सर्वानंद कारी पटनेश्वरी कहा जाता है, को देवी दुर्गा का निवास माना जाता है। कई अन्य स्थानों की तरह विजयदशमी के समय इन मंदिरों के पास एक मेला भी आयोजित किया जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के समय मेले के दौरान लगभग 1,000 लोग प्रतिदिन दोनों मंदिरों में पूजा करने आते हैं। यदि आप धार्मिक स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार में पहली बार हॉकी इंडिया की तरफ से वर्कशॉप का हो रहा आयोजन। बिहार में पहली बार हॉकी इंडिया की तरफ से वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये वर्कशॉप 19 जून से 22 जून को आयोजित होगा, जहां बिहार के सभी हॉकी कोच, टेक्निकल अंपायर, रेफरी को शामिल होने का मौका मिलेगा। इस वर्कशॉप का संचालन भारतीय सीनियर महिला हॉकी टीम के चीफ कोच द्रोणाचार्य हरेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। इस दौरान इंटरनेशनल अंपायर रघुवीर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने इस वर्कशॉप को लेकर कहा है कि इसमें शामिल होने वाले 80 कोच, अंपायर और रेफरी बिहार से होंगे। इन सभी के गेम के लेटेस्ट रूल, गेम में हुए नए डेवलपमेंट, स्कूल को अपग्रेड करने आदि के बारे में बताया जाएगा। SSC सिलेक्शन पोस्ट भर्ती परीक्षा में बिहार कितने अभ्यर्थी होंगे शामिल। 20 से 26 जून के बीच कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 परीक्षा 2024 यूपी और बिहार के 69 केंद्रों पर होने वाली है।
इसके आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा चुके हैं। मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया है कि इस भर्ती परीक्षा के लिए दोनों राज्यों से हाई स्कूल पास 164,705, इंटर पास 90,200 और स्नातक पास 1,636 और कुल मिलाकर 355,541 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 20, 21, 25 और 26 जून को होगी। परीक्षा 4 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें सुबह 9 से 10, फिर 11:45 से 12:45 तक, फिर दोपहर के 2:30 से लेकर 3:30 तक और शाम के 5:15 से शाम के 6:15 पर परीक्षा का आयोजन देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के कुल 24 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जहां 1,14,615 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए इसके वेबसाइट को जरूर देखें। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना का ये छात्र उठाएं लाभ। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत छात्र और छात्राओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह छात्रावास अनुदान प्रदान किया जाता है। इसकी जानकारी IPRD बिहार ने शेयर की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ekalyan.bih.nic.in पर विजिट करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, अल्पसंख्यक वर्ग से अपना संबंध रखते हों, विभाग के तहत संचालित छात्रावास में रह रहे हों, मान्यता प्राप्त संस्थान से पढ़ाई कर रहे हों। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपसे बिहार में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID और फोन नंबर लिए जाएंगे। इस योजना से संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप इसके टोल फ्री नंबर 1800-345-6123 पर कॉल कर सकते हैं। पटना में आज से 5 दिवसीय सिने फेस्टा फिल्म महोत्सव की हो रही शुरुआत। सिने यात्रा और हाउस ऑफ वैरायटी बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग की सहभागिता के साथ कुछ नया करने जा रहा है। आज यानी 19 जून से पटना में 5 दिवसीय सिने फेस्टा फिल्म महोत्सव की शुरुआत होने वाली है। इस महोत्सव का आयोजन रीजनल सिनेमा परिषद के हाउस ऑफ वैरायटी में होने वाला है। महोत्सव में इस कार्यक्रम की शुरुआत गुजराती फिल्म कायो कायो कलर से की जाएगी। ये महोत्सव 23 जून तक चलेगा। इस फिल्म महोत्सव के माध्यम से लोगों को फिल्म के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया जाएगा। इन टिप्स को अपना कर अपने फोन में हो रहे नेटवर्क की परेशानी को कर सकते हैं दूर। आज के समय में फोन हमारे लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक बन चुका है, लेकिन यदि कभी फोन के नेटवर्क की दिक्कत आने लगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में फोन के नेटवर्क की परेशानी को दूर कैसे करें, आज हम आपको बताएंगे। यदि आप ऐसे जगह रह रहे हैं जहां नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं है, तो अच्छे नेटवर्क के लिए आप खिड़की आदि के पास अपने फोन का बेहतर नेटवर्क कवरेज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पिक यूजेस टाइम में इंटरनेट थोड़ा स्लो हो सकता है, तो इस दौरान आप अपने फ़ोन के नेट को वाईफाई से में स्विच कर सकते हैं। यदि वाईफाई की सुविधा ना हो तो उन्हीं ऐप्स का इस्तेमाल करें जो कम डेटा यूज कर रहे हों। इसके अलावा आउटडेटेड सॉफ्टवेयर होने से भी आपके फ़ोन नेटवर्क में थोड़ी परेशानी हो सकती है। इससे परेशानी को दूर करने के लिए अपने फ़ोन और अन्य ऐप्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने फ़ोन में आ रहे परेशानी, नेटवर्क की परेशानी को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस दिन बिहार में पूर्णिया के रास्ते मॉनसून का होगा प्रवेश। बिहार में इस झुलसा देने वाली गर्मी के बीच राहत की खबर सामने आई है। दरअसल आने वाले 1 से 2 दिन में राज्य में मॉनसून का प्रवेश देखने को मिलने वाला है। बिहार में पूर्णिया के रास्ते 20 जून से पहले मॉनसून प्रवेश कर सकता है। मॉनसून के प्रवेश के बाद सीमांचल इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि प्रदेश में आज भी बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, पटना, जहानाबाद और गया जिले में कुछ जगहों पर काफी गर्मी महसूस होगी। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। अब सरकारी अपार्टमेंट में रहने वाले अधिकारी और कर्मी भी देंगे मेंटेनेंस चार्ज। निजी अपार्टमेंट में रहने वाले लोग मेंटेनेंस चार्ज देते हैं। इनकी तरह अब सरकारी बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले कर्मी भी मेंटेनेंस चार्ज देंगे। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के उप सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी शिव रंजन द्वारा पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि अभी तक वैसे अधिकारी या कर्मी जो राज्य के सरकारी क्वार्टर में रहते थे, उनसे केवल मानक किराया लिया जाता था, लेकिन अब ये चार्ज मानक किराए से अधिक होगा। भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सचिवालय में
कर्मियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन सरकारी क्वार्टर बनाने के लिए जमीन नहीं भरे हैं। सरकार द्वारा पुराने जर्जर क्वार्टर को तोड़कर बहुमंजिली इमारत बनाने का निर्णय लिया गया है और इसके कॉमन एरिया के रखरखाव और सुविधा के लिए मेंटेनेंस चार्ज लेने का फैसला किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने बिहार आएंगे पीएम मोदी। आज प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा होने वाला है। आज पीएम मोदी राजगीर आने वाले हैं, जहां वे नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन देशों के बीच संयुक्त सहयोग के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर को परिकल्पित किया गया है। इस समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख समेत कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होने वाले हैं। व्हाट्सएप के जरिए पटना आया था नीट पेपर। नीट पेपर लीक मामले में ये बात सामने आई है कि बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक करने के बाद इसे व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद अब ये पता किया जा रहा है कि ये पेपर सबसे पहले किसके पास पहुंचा था, इस पेपर को किसने कोऑर्डिनेट कर परीक्षा में एक रात पहले ही पेपर मंगवा लिए थे। इस मामले में कुछ संदिग्धों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी जांच अभी जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जाँच बिहार के आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जा रही है। पेपर लीक मामले को लेकर सीएम नीतीश ने दिए सख्त निर्देश। इन दिनों पेपर लीक मामले को देखते हुए सीएम नीतीश ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अभी हाल में ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना में कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिन पटना में अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती के दौरान सीएम नीतीश ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक के खिलाफ नया और सख्त कानून लाया जाएगा। इस दौरान सीएम नीतीश ने भर्ती के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसके लिए सख्त कानून बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी विधानसभा चुनाव के सत्र में लाया जाएगा। दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से नवाजे गए बिहार के रजनीश। दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड से संगीतकार सह निर्देशक रजनीश मिश्रा को नवाजा गया है। रजनीश मिश्रा को ये अवार्ड माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी के लिए दिया गया है। रजनीश मिश्रा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में चुने गए हैं। इन्हें मुंबई के जुहू स्थित ऑडिटोरियम में एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि रजनीश बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस अवार्ड के लिए मैं दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। इस अवार्ड ने मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ा दी है। इसके साथ नाम जुड़ना ही एक सम्मान है। इस दिन बिहार आएंगे बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। इस बार वे बिहार के गया जिले में पहुंचकर वहां भक्तों को कथा सुनाएंगे। बागेश्वर बाबा का आगमन गया में पितृ पक्ष के दौरान होगा। वे 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भक्तों की तरफ से पितृ शांति, पितृ तर्पण और त्रिपंडी श्राद्ध करेंगे। मालूम हो कि बीते वर्ष गया जेल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा होने की खबर सामने आई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी थी, लेकिन इस बार उनके आगमन को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। बीएड और शिक्षा शास्त्री के प्रवेश परीक्षा का जारी हुआ एडमिट कार्ड। सोमवार को आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस संबंध में सीईटी बीएड 2024 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने बताया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे। फिर सामने दिख रहे 3 विकल्प में तीसरे विकल्प एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर के जरिए संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। बीमा भारती के सरकारी आवास पर पुलिस का छापा। बीते दिन पूर्णिया पुलिस पूर्व विधायक बीमा भारती के सरकारी आवास पर पहुंची। दरअसल अभी हाल में ही एक व्यवसायी की जान लेने के मामले में बीमा भारती के बेटे का नाम सामने आया है। इस मामले की जांच को लेकर पुलिस बीमा भारती के सरकारी आवास पर पहुंची। इस दौरान बीमा भारती भी अपने सरकारी आवास पर मौजूद थे। पुलिस ने बीमा भारती के सरकारी आवास की तलाशी भी ली। मामले को लेकर बीमा भारती ने अपना गुस्सा जाहिर किया है।
उन्होंने कहा, मेरे पति को जेल भेज दिया गया है, कुछ दिन पहले उन लोगों का बेल हुआ है और अब वे बाहर हैं। फिर से देखिए एक मामले को लेकर ये लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी साजिश है, बेवजह हमारे परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे बेटे का नाम भी नहीं है लेकिन इस मामले में इसका नाम जोड़ दिया गया है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा हुई तेज। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर खूब चर्चा देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 29 जून को नई दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस दौरान नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने पर कोई फैसला लिया जा सकता है। याद दिला दें कि अब तक जदयू के प्रदेश महासचिव राणा रणधीर सिंह और जदयू नेता विद्यानंद विकल ने निशांत को पॉलिटिक्स में लाने की मांग की है। इस संबंध में जदयू ने विद्यानंद विकल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिहार को एक युवा नेतृत्व चाहिए, निशांत कुमार में युवा नेतृत्व के सारे गुण मौजूद हैं। बिहार में बहाली को लेकर तेजस्वी ने सीएम नीतीश के सामने रख दी ये मांग। बिहार से सीएम नीतीश ने एक साल में 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 11 लाख रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है, जिसे लेकर सभी विभागों को सख्त आदेश भी दिए गए हैं। अब इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि हमने 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में 5 लाख से भी अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। इसी दौरान 3 लाख सरकारी नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जो आचार संहिता के चलते कुछ महीने से रुकी थी। हमारे हटते ही पूर्व निर्धारित तीसरे चरण में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी। अब चुनाव पूरे हो चुके हैं तो पहले से प्रक्रियाधीन 3 लाख नौकरियों के अलावे सरकार हमारी सरकार के निर्णय के अनुसार सभी विभागों की बाकी रिक्तियों पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू कर नियुक्तियाँ करवाए। बिहार में पेपर लीक मुद्दे पर प्रशांत किशोर का तंज। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीट पेपर लीक पर अपना रोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि बीते 2 दिन पहले मुझे एक लड़के ने बताया कि पेपर लीक हुआ है। जो बच्चे दिन रात अपना हार मांस गलाकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका पेपर लीक हो गया है, उसकी चिंता किसी नेता को नहीं है। पढ़े लिखे लड़के मुंबई में दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रहे हैं और देखने वाली बात तो ये है कि 9वीं फेल नेता का लड़का तेजस्वी यादव बिहार में राज कर रहा है। बिहार के सभी लोगों को वो ज्ञान दे रहे हैं कि हमें गद्दी में बैठा दो तो हम सबको नौकरी देंगे। मैं बिहार के युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि आपको नौकरी चाहिए या अधिकार, नौकरी चाहिए या राज? बिहार के लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, अब हमें राज चाहिए। अब हमें राज चाहिए, नौकरी तो अपने आप हमें मिलेगी। बिहार में राज तेजस्वी यादव जैसे लोग करेंगे और नौकरी के लिए भीख हम इनसे मांगेंगे। अब ऐसा बिहार में नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव अफगानिस्तान के साथ मैच से पहले हुए चोटिल। 20 जून को भारतीय टीम का सुपर 8 में पहला मैच अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। इस मैच में शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम के सामने इस वक्त एक बड़ी परेशानी सामने आ चुकी है। दरअसल विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए। इनके हाथ में चोट लगी है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया है कि सूर्य कुमार यादव के हाथ पर लगी चोट ज्यादा गंभीर है या नहीं। यदि सूर्य कुमार यादव को इंजरी होती है तो इससे भारतीय टीम को कितना फर्क पड़ सकता है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1981 में भारत के एप्पल उपग्रह को लॉन्च किया गया था। आज के दिन वर्ष 1966 में राजनीतिक पार्टी शिवसेना की स्थापना मुंबई में हुई थी। आज के दिन वर्ष 1970 में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म हुआ था। आज के दिन विश्व एथनिक दिवस मनाते हैं। आज के दिन भारतीय मिमिक्री कलाकार निरेला वेणु माधव ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। आज के दिन वर्ष 1981 में सुभाष मुखोपाध्याय की पुण्यतिथि है। ये भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी के जनक चिकित्सक और वैज्ञानिक थे। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े शुल्क के बारे में। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जहां ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि दावा पूरी तरह से भ्रामक है। केंद्र सरकार या रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट के लिए 10 रुपये ही शुल्क निर्धारित है, इसलिए इस तरह की खबरों पर ध्यान देने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए पूरी तरह से इसे फर्जी बताया है।
बिना आपकी मर्जी के कोई नहीं खोल सकेगा आपके फ़ोन में मौजूद ऐप्स, जाने कैसे। हमारे स्मार्टफोन में हमारी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम केवल खुद तक ही रखना चाहते हैं। फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिसे हम छिपा कर रखना चाहते हैं। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि किसी ऐप को हाइड कैसे करें। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के बारे में। कई फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें इनेबिलिटी का फीचर पहले से मौजूद होता है, इसलिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर प्राइवेसी और सिक्योरिटी में हिडन ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जहां आप जिस ऐप को भी हाइड करना चाहते हैं उसके टॉगल को डिसेबल कर दें। इससे आपके बिना अनुमति के कोई भी उस ऐप तक नहीं पहुँच सकेगा। बड़े गैप अप के बाद शेयर मार्केट ने किया सस्टेन। बीते दिन बड़े गैप अप के बाद शेयर मार्केट ने सस्टेन किया है। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए बढ़त दर्ज की है। वहीं निफ्टी ने 92 अंकों की बढ़त दर्ज करते हुए 23,558 के लेवल पर क्लोज किया। सेंसेक्स ने 308 अंकों की बढ़त दर्ज की और 77,301 के लेवल पर क्लोज हुआ है। बीते दिन निफ्टी ने 23,579 के लेवल का नया ऑल टाइम हाई लगाया है। वहीं सेंसेक्स ने 77,367 का नया ऑल टाइम हाई लगाया है। बाजार के ऑल टाइम हाई के लेवल पर एक रेंज बनी दिखी है। इस दौरान बाजार ने पूरे दिन ट्रेड किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, महावीर ने किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया था। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है ब्राह्मी, ऑप्शन डी है प्राकृत। इसका सही उत्तर है प्राकृत। बिहार में द्विसदनीय विधानसभा का जिक्र किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, ऑप्शन बी अनुच्छेद 166, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168, ऑप्शन डी अनुच्छेद 171। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 168। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। वर्ष 1907 में सर कर्जन बिल्ली की जान लंदन में किसने ली थी। ऑप्शन ए है बी एन दत्ता, ऑप्शन बी है एम एल धींगरा, ऑप्शन सी है सरदार अजीत पटेल, ऑप्शन डी है एस सी चटर्जी। इसका सही उत्तर है एम एल धींगरा। हूवर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर अब्दुल कलाम। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम शिक्षा पांडे, राजकिशोर महतो, उमेश ऋषिदेव, रोशन कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, अतीक खान, रवि कुमार, गोपी यादव, कुश कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, अपने जीवन में आप किस फिल्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।